और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में पंचायती राज व्यवस्था का कई जगह मजाक बनाते हुए महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पतियों को शपथ दिलाने का मामला सामने आया, तो संज्ञान में आने के बाद कहीं पर कार्यवाही भी हुई है। शपथ ग्रहण के बाद कई पंचायतों में वृक्षारोपण के कार्य किए गए। आयोजित कार्यक्रमों में सिरमौर जनपद पंचायत के दो सरपंचों के द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की चर्चा जोरों पर हो रही है। ग्राम पंचायत डोल की सरपंच खुशबू और बदराव गौतमन के सरपंच आशुतोष गौतम ने संस्कृत भाषा में शपथ ली, जिसके चारों ओर प्रशंसा हो रही है। संस्कृत भाषा में शपथ लेने के पीछे क्या उद्देश्य था, इस संबंध में जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उत्पादने वृद्धि प्राप्नुयात् मम पंचायतस्य प्रत्येकं निर्धनस्य कृते याचनानुसारं रोजगारं भवतु। कृषि क्षेत्रं उत्पादने वृद्धं प्रयुक्त्यात् मम पंचायतस्य प्रत्येकं निर्धनस्य कृते याचनानुसारं रोजगारं भवतु। नूतन प्रविधीनां जना लाभं स्वीकुर्य येन उत्पादकतायां वृद्धः भवतु तथा पंचायत क्षेत्रं आत्मनिर्भरं स्वावलंबी च भवतु। अहं स्वस्थ कार्यकाले स्वस्थ ग्रामस्य दशां परिवर्तनाय प्रयासरतं भविष्यामि। अहम् एतत् अपि संकल्पं स्वीकरोमि यत् अहम् जात धर्म संप्रदाय नाम्नः भेदभावं न करिष्यामि। जयतु भारतम्। हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 30 से 40 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी संस्कृत बोलते हैं, आपस में भी बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, कई सारे सभागारों में उनके सीधे लेक्चर होते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे ग्राम पंचायत में हमारे बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो लगभग 40 से 50 की संख्या में हैं, बहुत तेज़ी से संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है। हम चाहेंगे कि हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में इसको हम 50 के जगह में 200 करें और आसपास के कई गांवों में हम ये प्रयास करेंगे कि इसी तरह से संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, वहाँ भी बहुत सारे लोग इस तरह से निकलें, यही हमारा उद्देश्य है। संस्कृत में के माध्यम से मनोजीवन का क्या महत्व है, थोड़ा सा इस विषय में बताइए। हम बताना चाहेंगे कि संस्कृत में मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, सब संस्कृत से होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कार्य हम सब हिंदू धर्म में करते हैं, सब संस्कृत से करते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत से ही हम आने वाले समय में भी अपने पंचायत में भी, चूँकि कंप्यूटर भी संस्कृत भाषा का बहुत तेज़ी से संग्रहण अपनी ओर करता है, इसलिए हम चाहेंगे कि एक संस्कृत का हम आने वाले टाइम में लैब यहाँ स्थापित करें, बहुत सारे हमारे लोग संस्कृत से और जुड़ें।